नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनता आवाज। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिन के विदेशी दौरे पर गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क आदि कई देशों में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि राहुल जी के ट्वीट पर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया देते हैं और वह लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, जबकि पिछले सालों में पीएम बनने के बाद से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है। साथियों आपको बता दें, केवल इतना ही नहीं, ऐसा ही आरोप जर्मन मीडिया डॉयचे वेले के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर ने भी पीएम मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान सोमवार को एक ट्वीट के माध्यम से लगाया। रिचर्ड वॉकर ने ट्वीट में जो लिखा है उसका रूपांतरण मैं आपको बता देता हूं। ट्वीट में लिखा है, करीब 7 वर्षों से ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री केवल अपने समकक्ष के साथ के मीडिया बयान जारी करते हैं, संवाददाताओं के सवाल जवाब नहीं होते हैं। हालांकि इसके पहले यह परंपरा रही है कि दोनों देशों के दो दो पत्रकार अपने अपने प्रश्न पूछा करते थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक ट्विटर यूजर उपेंद्र सिंह बघेल नाम ने कमेंट करके लिखा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इस धरती के 133 करोड़ आबादी वाले उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो, जवाब होगा नरेंद्र मोदी। साथियों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।